सही है, क्योंकि आप एक तो आप पढ़ते हैं यहाँ पे ऑन साइट बैठ के, कुछ लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ रहे होते हैं डायरेक्टली, तो उनके लिए भी ये काइंड ऑफ एक असाइनमेंट होगा। अब उनमें से देखते हैं कौन बना पाता है। ठीक है, तो ये मैं इस स्क्रीन का ये वाला छोटा सा रिकॉर्ड करके ज़रा इसको देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, और फिर देखते हैं ये जो इस वाले यूट्यूब पे वो कमेंट करेंगे बंदे बना के, ये वाला जो असाइनमेंट है वो बना के इसी वीडियो में कमेंट करेंगे कि भाई हमने ये कंप्लीट कर लिया है हैकाथॉन। अच्छा, ये हैकाथॉन जो आपका हुआ था सुबह 9 से आप रात 9 तक बैठे थे कंटिन्यूअसली, और ये आपको टास्क मिला था। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। नोट, दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन असाइंड टू यू एज योर मिनी हैकाथॉन टास्क SMIT अटेंडेंस एप्लीकेशन। अच्छा, तो ये आपको अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए दिया गया था। यू हैव टू कम्प्लीट द गिवन टास्क विद इन द लिमिट ऑफ 12 आवर। टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हैं HTML5, CSS3, JavaScript, Firebase, Bootstrap और एनी अदर लाइब्रेरी, जैसा कि रिएक्ट वगैरह। अच्छा, चलो बारे लाओ, फ़ौरन कर दिया था ना लाओ, ज़रा टाइम तो नहीं लगाया। सही, तो भाई ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, MongoDB अगर किसी को आता है तो वो भी यूज़ करे, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, ब्रीफ समरी क्या है? स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अटेंडेंस पोर्टल सिस्टम फॉर SMIT स्टूडेंट। सैलानी असाइंड एडमिन कैन मार्क अटेंडेंस एंड रिव्यू इट वेन एवर नीडेड। ठीक है, तो हमारा जो गोल था वो ये था कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए जिस पे कौन अटेंडेंस लगा सके, जो असाइन एडमिन है, ऐसे लोग जो जिनको असाइन किया जाए एक्सेस, वो लोग उसमें अटेंडेंस वगैरह के मामला देख सकें। अच्छा, एन एडमिन कैन डू फॉलोइंग डिटेल्स, डिस्क्राइब टास्क। अच्छा, व्हाट एडमिन कैन डू, अब ये एक इसमें एडमिन है और कौन है इसमें एडमिन के अलावा, बस एडमिन ही है सिर्फ और कोई नहीं। ठीक है, एडमिन कैन साइन इन, साइन अप का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट साइन इन होगा वो। अच्छा, एडमिन कैन ऐड क्लास डिटेल विथ फॉलोइंग डिटेल, ये सिंपल सा क्रड ऑपरेशन है कि एक क्लास ऐड करेगा वो, ठीक है, ऐड अ क्लास जिसमें उसकी टाइमिंग मेंशन हुई भी होगी और किस किस दिन होती है, जैसे कि MWF 9 से 11, यही होगा ना, टीचर का नाम होगा, सेक्शन का नाम होगा, कोर्स का नाम होगा और बैच नंबर होगा। मतलब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें 3-4 खाने होंगे, सब लिख के ऐड का बटन दबाएगा तो चकोर सा डब्बा सा बना हुआ जाए कि हाँ यार ये क्लास ऐड हो गई। अच्छा भाई, ये हो गया। एडमिन कैन ऐड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट करंट, ये अब स्टूडेंट ऐड करने का भी एक फॉर्म जाहिर बनेगा इसमें। ठीक है, एक फॉर्म खुलेगा, उसमें स्टूडेंट की ये वाली डिटेल तमाम लिख के और एक पिक्चर भी साथ में, वो बता चुका हूँ मैं पिक्चर आपको कैसे अपलोड होती है, करके ऐड का बटन दबाऊंगा तो एक स्टूडेंट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्लास बनती जा रही है, एक तरफ स्टूडेंट बनते जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब एडमिन क्या कर सकता है, नाउ एडमिन वुड सेलेक्ट पर्टिकुलर कोर्स क्लास फॉर अटेंडेंस। व्हेन एडमिन सेलेक्ट द क्लास एंड ID कार्ड UI विद प्लेस होल्डर विल पॉप अप विद एन इनपुट बार फॉर रोल नंबर। व्हेन स्टूडेंट स्टार्ट एंटरिंग द रोल नंबर्स देयर डेटा विल बी शोन विद देयर कंप्लीट डिटेल इन रियल टाइम। ये क्या बात थी, समझ नहीं आई, किसी को समझ आई? सही है, मतलब ID कार्ड जनरेट करने का ये सिस्टम है। सही है, मतलब एक पेज एडमिन के पास एक ऐसा पेज होना चाहिए जिसमें एक ब्लैंक कार्ड बना पा रहा हो, उसमें जैसे ही मैं रोल नंबर टाइप करूँ तो वो कार्ड पूरा का पूरा फिल हो जाए। तो वो एक्चुअली ये जो आपका स्टूडेंट ऐड हो रहा था, जो वो स्टूडेंट असल में यहाँ पे गेट हो रहा है, यही हो रहा है ना, रोल नंबर लिख रहा, स्टूडेंट गेट हो जा रहा है। अब वो असल में क्या होगा कि एक इमेज होगी, जो कार्ड की इमेज होगी सैलानी के कार्ड की, और उसमें मैं प्लेस करूँगा इनपुट बॉक्सेस को एक ख़ास अंदाज से प्लेस करूँगा कि वो लगे कार्ड के ऊपर लिखी हुई चीज़। तो जैसे ही मैं रोल नंबर लिखूँ तो वो सारा डेटा गेट हो गया, तो देखने में लगे अच्छा ये कार्ड की जैसी कोई चीज़ है। अच्छा भाई, दिस इनपुट बार विल ऑल्सो हैव अ ड्रॉप डाउन विद 4 ऑप्शन, प्रेजेंट, एबसेंट, लेट, लीव। डिफॉल्ट प्रेजेंट विल बी अवेलेबल। ठीक है,
अच्छा, तो मतलब ये हो गया जैसे ही उसमें रोल नंबर लिखा जाए तो उस बंदे के सारी डिटेल आ जाए और वो प्रेजेंट भी खुद ही हो जाए वो ऑटोमेटिकली, लेकिन उस प्रेजेंट की जगह पे एक ड्रॉप डाउन हो कि उसको चार ऑप्शन हो, उसको प्रेजेंट की जगह एबसेंट भी किया जा सके। अच्छा भाई, इफ़ एनी स्टूडेंट एंटर अ रोल नंबर टू मार्क अटेंडेंस आफ्टर 10 मिनट ऑफ देयर क्लास स्टार्ट टाइमिंग, इट विल बी मार्क्ड एज लेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मतलब क्लास की जैसे 9 बजे शुरू होती है, क्योंकि क्लास बनाते हुए ही बता दिया था उन्होंने कि भाई ये कितने बजे शुरू होती है और कितने बजे ख़त्म होती है, तो अगर क्लास शुरू होने में 10 मिनट हैं, ये क्लास शुरू हो चुकी है, तो 9:10 अगर हो गए तो ऑटोमेटिकली वो लेट लिखा हुआ है, अटेंड प्रेजेंट लिखा हुआ ना है। सही है, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था ये। जब मैं डेटा गेट करूँगा, जैसे ही रोल नंबर लिखूँगा तो डेटा गेट होगा ना डेटा बेस से, तो वो स्टूडेंट है उसकी क्लास गेट होगी साथ साथ, और क्लास में लिखा हुआ होगा इसकी टाइमिंग क्या है, तो हम उस टाइमिंग से मैच कर लेंगे अभी सिस्टम का टाइम क्या है। हाँ, लेकिन ये है कि सिस्टम के टाइम पर थोड़ी सी डिपेंडेंसी हो जाएगी। या कोई एक तरीका ऐसा भी हम कर सकते हैं कि उस डेटाबेस में करंट टाइम उठा ले उस डेटाबेस का, ठीक है, इस तरह का भी कोई जुगाड़ सोचा जा सकता है ताकि सिस्टम के टाइम पर डिपेंडेंसी कम से कम हो। या एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि एक अलग से ब्लैंक, मतलब सिस्टम के टाइम पर डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए, ज़ाहिर डिफरेंस तो मुझे चाहिए ना कि अभी क्या टाइम हो रहा है और क्लास की टाइमिंग क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस तो मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक अलग से कलेक्शन बना लूँ अपने डेटाबेस में, ऐसी किसी काम की ना हो कलेक्शन, मैं क्या करूँ उसमें जल्दी से एक एंट्री मारूँ, ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प वाली एंट्री मारूँ और उसको वापस गेट करूँ, तो मुझे उससे करंट टाइम पता चल गया और जो क्लास की टाइमिंग है वो मुझे वहाँ से आ गई, तो फिर दोनों का मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, सिस्टम का टाइम भी मैटर नहीं करेगा कि सिस्टम में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। कर सकते थे ना ये, किसी ने किया ऐसा? करंट टाइम कैसे गेट कर रहे थे? सिस्टम का टाइम नहीं, मगर उससे मसला है ना, अगर सिस्टम का टाइम आगे या पीछे कर दिया तो वो फिर हैक हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो अच्छा, ये तो 10 मिनट वाला ये सीन हो गया। अच्छा, इफ़ ही ट्राइज टू चेंज लेट स्टेटस फ्रॉम ड्रॉप डाउन इट विल रिक्वायर एडमिन पासवर्ड। ठीक है, अच्छा, जैसे ही वो असल में ये इस जो कहा जा रहा है ना कि रोल नंबर एंटर करे एंटर करे, वो असल में एंटर नहीं करे, वो आपकी जो मशीन लगी हुई है ना वो उसके हिसाब से ही बनाया जा रहा है। असल में ये जो मशीन लगी हुई है कैसे काम करती है पता है किसी को? थोड़ा और कोई सिंप्लीफाइड करके बता पाएगा कि ये मशीन जो बाहर स्कैन करती है ना आपका कार्ड टकाटक स्कैन करती है, हाँ, क्यू आर कोड को स्कैन करके पीछे क्या करती है? रोल नंबर गेट करती है और असल में ये मशीन आपके कंप्यूटर से ना एज अ कीबोर्ड कनेक्टेड होती है, कंप्यूटर को लग रहा होता है कि कीबोर्ड कनेक्टेड है, समझ रहे हो? और आपके जो क्यू आर कोड आपके कार्ड पे बना हुआ है ना सबके, वो क्यू आर कोड असल में आप बना सकते हैं खुद, किसी भी नंबर का या टेक्स्ट का आप क्यू आर कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको आप इसके आगे करते हैं स्कैनर के, तो वो स्कैनर क्या करता है, वो उसको रीड करता है ना, तो स्कैनर के लिए तो वो नंबर है, आपके लिए वो क्यू आर कोड है, लेकिन स्कैनर के लिए वो एक्चुअल में एक नंबर है। तो वो क्या करता है, उसको नंबर को पकड़ता है और जल्दी जल्दी वो टाइप कर देता है, टाइप करके एक एंटर भी प्रेस कर देता है लास्ट में, अगर वो टेक्स्ट में एंटर मौजूद हो तो, ठीक है, इसमें एंटर भी लगा हुआ है आपके वाले में। अच्छा, अब उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि अच्छा वो टाइप कहाँ करेगा, जिधर फोकस होगा उधर टाइप करेगा। तो ये लोग ये करते हैं कि एक्सेल की शीट खोलते हैं और पहले खाने में फोकस करके छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आप आए, आपने आगे ऐसे स्कैन किया, स्कैन करने से क्या हुआ, जल्दी जल्दी नंबर टाइप किया, एंटर किया, वो अगले खाने में चला गया। फिर अगले बंदे ने स्कैन किया, उसने नंबर एंटर किया, अगले खाने में चला गया। अब वो डजंट इट मैटर कि वो एक्सेल की शीट खुली हुई है या एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इट डजंट मैटर, कोई नोट पैड खुला हुआ है, वीएस कोड पे भी खुला हुआ होगा तो भी वो रोल नंबर देता जाएगा टकाटक। सही है, तो असल में ये वो चीज़ हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब एक्सेल की शीट की जगह हमारी ऐप खुली हुई होगी, और हमारी ऐप खुली हुई में उसमें हो क्या रहा होगा, उसमें ये हो रहा होगा कि सामने एक कार्ड बना हुआ होगा और आपका जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली उस पर होगा। अगर फोकस कहीं और भी क्लिक कर दिया तो मे बी हम एक टाइमर लगा देंगे कि यार वो फोकस 2-3 सेकंड बाद में ऑटोमेटिक उस बॉक्स पे आ जाए खुद ही।
ठीक है, ये हम कर सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम बोलेंगे भाई हर 2-3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद फोकस को उसी पे लेकर आओ, वरना समटाइम ये होता है कि फोकस कहीं और क्लिक हो गया ना, अगर एक्सेल की शीट खुली हुई भी कहीं और क्लिक हो गया, अब आप वो जितना टीट टीट करते रहें अटेंडेंस पीछे लगेगी नहीं आपकी, जब तक वो खाने पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि वो लिखाएगा तो जब ही ना जब खाने पे क्लिक होगा, तो क्या कहते हैं वो फिर होती नहीं अटेंडेंस, फिर आपको क्लास के एंड में वो कहते हैं कि यार अटेंडेंस ना दोबारा होगी आपकी, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी असल में ये होता है। तो अब क्या होगा, अब आपके खुद का सॉफ्टवेयर खुला हुआ होगा और उसमें टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा, उसमें फोकस ऑटोमेटिक हर थोड़ी देर बाद हम फोकस उसी पे सेट करवा देंगे। सही है, फोकस कैसे सेट होता है पता है जावास्क्रिप्ट में? फोकस सेट करने के लिए क्या क्या लिखते हैं? ऑन फोकस, तो ये ना कि जब फोकस हो तो ये काम कर दो, सेट फोकस करेंगे, ठीक है। फोकस होता है और ब्लर होता है, तो आप किसी भी चीज़ को फोकस में ला सकते हैं, उसमें डॉट एट्रीब्यूट करके ना, डॉट सेट फोकस करके कोई ना कोई तरीका होगा, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद अभी क्या तरीका है, लेकिन आप ये कर सकते हैं। तो आप करेंगे भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और वो इनपुट बॉक्स, और आप बोलेंगे कि फोकस इस पे सेट कर दो, ठीक है। वो आप इजीली देख लेंगे कि कैसे सेट होता है। अच्छा भाई, तो अब क्या होगा, बंदे आते जाएंगे, बंदे आके अपना कार्ड जैसे ही आगे करेंगे वो उधर रोल नंबर लिखेगा, एंटर खुद ही हो जाएगा, एंटर तो क्योंकि उस टेक्स्ट में ही मौजूद है जो स्कैन होता है, एंटर हो जाएगा, वो उसकी अटेंडेंस लग गई, ठीक है, और उसकी अटेंडेंस प्रेजेंट में लगी। फिर जैसे ही 10 मिनट ऊपर हो गया 9 बजे से, 9 बज के 10 मिनट या 12 मिनट हो गए, अब जो भी स्कैन करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेट लग रहा होगा, ठीक है, वो आएगा स्कैन करेगा चला जाएगा, वो लेट लग रहा होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कि वो किस क्लास के अंदर है, ज़ाहिर है अब पूरे सैलानी का अगर हमने डेटा उसमें एंटर कर दिया एक बार, तो मैटर नहीं करता कि स्टूडेंट कौन है, कौन सा वाला है। समटाइम ये होता है कि जैसे अभी आपकी वेब की क्लास चल रही है ना, तो शीट वेब की खुली हुई होगी जब ये अटेंडेंस होगी। अब इससे पहले एआई की क्लास हुई थी, तो अब एआई वालों की शीट खुली हुई थी, अगर उसको कोई चेंज नहीं करने वाला है वहाँ पे बैठ के, अगर किसी ने शीट को चेंज नहीं किया, तो वो उसी शीट में फिर आपकी भी अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगी। तो सुबह से शाम तक जितनी क्लासेस होती हैं उतनी शीट बनी हुई है एक्सेल की, वो हर एक घंटे पर शीट को चेंज करना पड़ता है, तो ये पूरे दिन का एक एक्टिविटी है, पूरे दिन की एक्टिविटी है जो इससे बच जाएगी। अगर आप में से किसी ने ये बाद में भी अभी भी कंप्लीट कर लिया है आप में से किसी ने, तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपका यूज़ हो सकता है। भाई ज़ाहिर है आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नीचे छोटा सा अपना नाम भी लिखेंगे क्रिएटेड बाई फला फला, अपना नाम लिखेंगे आप, तो वो जब तक सॉफ्टवेयर यहाँ पर चलता रहेगा आपका नाम भी दिखता रहेगा, है कि नहीं, मज़े की बात। तो हैकाथॉन में नहीं भी बना था, तो इसको कंप्लीट कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। जिसका पहले कंप्लीट हो गया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया हैकाथॉन का, मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे सेक्शन में से किसी ने अगर बहुत अच्छा बनाया होगा फिर तो आपकी बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी एज अ पोर्टफोलियो बना लेना, कल को कहीं दिखाने के काम आएगा, अगर यहाँ ना लग सके कोई बात नहीं, किसी और को तो दिखाने के काम आएगा ना, किसी इंटरव्यू में तो दिखाने के काम आएगा कि एक रियल यूज़ केस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था मैंने। अच्छा भाई, और क्या इसमें ऑप्शन है? इफ स्टूडेंट एंटर रोल नंबर टू मार्क अटेंडेंस आफ्टर 10 मिनट ऑटोमेटिकली लेट, ठीक है। और अगर लेट को चेंज करना हो तो वो उसके लिए पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। इफ समवन मार्क अटेंडेंस एज लीव और एब्सेंट ही हैज टू एंटर एन एडमिन पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, मतलब नॉर्मल अटेंडेंस बगैर पासवर्ड के सिर्फ नॉर्मल अटेंडेंस लग सकती है, ठीक है। नॉर्मल अटेंडेंस के अलावा किसी भी किस्म का, इन्हें चार ऑप्शन उसमें थे ना, लीव एब्सेंट और लेट, तो उसको चेंज करना चाहे ऑप्शन को, या प्रेजेंट के अलावा किसी और तरीके से अटेंडेंस अपनी लगाना चाहे, तो उसको पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। आप जैसे ही उसको चेंज करें सामने पासवर्ड का पॉपअप लगा दें, वो पासवर्ड अगर सही एंटर करता है, पासवर्ड कहाँ पर है, डेटाबेस में सेव है, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा डेटाबेस से जाके मैच होगा, तो ही उसको चेंजेस को डेटाबेस में इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज ना करें। Any student whose student is not marked will be marked as absent automatically. ठीक है, मतलब जिस स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं लगाया गया है एंटर करके रोल नंबर उसका, वो बाई डिफ़ॉल्ट एबसेंट है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट एबसेंट का मतलब ये है कि ज़ाहिर है ये जो अटेंडेंस है, जब मैं क्लास पे क्लिक करूँगा तो क्लास का मुझे टेबल बना के शो भी तो कराना है ना अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं क्लास ओपन करूँगा तो वो मुझे चार्ट भी तो एक दिखना चाहिए ना कि ये स्टूडेंट्स हैं और इनके आगे प्रेजेंट एब्सेंट और साथ में डेट है, डेट ऊपर आ रही है, जो एक क्लासिकल, अभी मैं बल्कि किसी की अटेंडेंस की एक शीट बना भी रहा था,
हो, कुछ इस तरह का मुझे चार्ट बन के दिखे ना कि इधर स्टूडेंट के नाम आ रहे हो सारे, सामने से डेट आ रही हो और डेट के नीचे एब्सेंट प्रेजेंट आ रहा हो। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अगर बंदे की प्रेजेंट नहीं लगेगी तो उस चार्ट में वो एब्सेंट शो होना चाहिए बाई डिफ़ॉल्ट। जिस बंदे की ये प्रेजेंट नहीं लगी हुई वो बाई डिफ़ॉल्ट एब्सेंट शो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एनी स्टूडेंट वॉज स्टूडेंट इज नॉट मार्क विल बी एब्सेंट ऑटोमेटिकली। स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स कैन बी व्यूड दीज प्रीवियस डेटा ऑफ अटेंडेंस। अच्छा, देयर लिखा हुआ, तो स्टूडेंट का जो स्टेटिस्टिक्स है वो भी देखा जा सके। मतलब अगर मैं किसी स्टूडेंट पे क्लिक करूँ तो उस स्टूडेंट की तमाम प्रीवियस अटेंडेंस आ जाए, लेकिन शायद अगर सिर्फ आप क्लास की भी कर देते तो सही था कि मतलब जो क्लास ऐड हुई थी चकोर डब्बा बन के आया था उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। वो स्टूडेंट किधर ऐड हो रहे हैं, वो इस तरह की एक चीज़ बनी हुई है उसमें, ये लास्ट में वो ऐड होते चले जाएंगे। जैसे ये देखो ना कितने सारे स्टूडेंट हैं, अब मैं ऐड करूँगा नीचे एक लास्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, और उसकी अटेंडेंस इधर मुझे यहाँ पर इस जगह में शो हो रही होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो जब भी मैं क्लास पर क्लिक करूँ क्लास की अटेंडेंस मेरे सामने खुल गया। एडमिन कैन ट्रांसफर स्टूडेंट फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, यू शुड मेंटेन अ हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट सेक्शंस, सो व्हेन द एडमिन विल रिव्यू अटेंडेंस डेटा और स्टूडेंट डिटेल ही कैन सी हिज सेक्शन हिस्ट्री एज वेल, ठीक है। मतलब अगर सेक्शन को कोई मॉडिफाई करता है तो उसका पुराना रिकॉर्ड भी ख़त्म नहीं किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वो सेक्शन इस तरह से चेंज हो रहा होगा कि स्टूडेंट है ना वो किसी क्लास के अंदर ऐड हुआ है, तो उस क्लास के अंदर ए बी सी डी सेक्शन होंगे सारे। तो जब उस स्टूडेंट को मैं एडिट करूँगा तो उसका सेक्शन एडिट करने का जहाँ पे ऑप्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जब मैं सेक्शन को एडिट कर दूँगा तो शायद नीचे डिटेल में एक नोट बन के आ जाए या ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट जनरेट करा दूँ ना कि ये किस में से किस में जा रहा है, ये सेक्शन ए में से सेक्शन बी में जा रहा है, ठीक है। तो वो एक नोट नीचे बनना शुरू हो जाए जो कि एडिटेबल ना हो, जो कि फिक्स हो। वैसे तो सेक्शन उसका चेंज हो गया, सेक्शन वाले खाने में अभी करंट सेक्शन दिख रहा है उसका, लेकिन एक नीचे डिस्क्रिप्शन टाइप की कोई चीज़ भी एक बन जाए ऑटोमेटिकली। वो जब जब मैं कोई चीज़ चेंज करूँ वो उसमें आएगा, यार इसका ये चेंज हुआ है, इसका ये चेंज हुआ है, इसका नाम चेंज हुआ है, इसका रोल नंबर चेंज हुआ है, ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ रहा। तो जब भी उस स्टूडेंट पर क्लिक किया जाए तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन आ रही हो जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो, जो उस स्टूडेंट के साथ चिपकी हुई हो कि भाई ये क्या क्या चेंज होता रहा है इसका। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा आपको प्रोजेक्ट दिया गया था, और अगर किसी से ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर इस तरह की ऐप बना लेते हैं आप प्रॉपर और वो यहाँ पे चल रहा है, अगर किसी या यहाँ नहीं किसी भी इदारे में ये चलेगा जहाँ पे भी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं या बहुत सारे लोग हैं जो आते और जाते हैं, तो वहाँ पे ये काम की चीज़ है अटेंडेंस ऐप, ठीक है। इवन दो कि अभी जो ये मैं जो बना रहा था ना ये वाला, ये एक नई क्लास शुरू हुई है किसी इदारे में सैलानी से एसोसिएशन के साथ, तो वहाँ पे उनका अपना कोई अटेंडेंस का ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, वो रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे मैं आज दोपहर को बैठ के सोच रहा था कि मैं तुम लोगों से कोई ऐसी ऐप बनवा दूँ जिसमें क्या हो कि मैं उधर जाके बैठूँ और मैं सब स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर तो सबके आगे है, इंटरनेट भी अवेलेबल है, तो मैं सारे स्टूडेंट्स से कहूँ चलो भाई अटेंडेंस लगाओ अपनी अपनी, और वो अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लें। मतलब कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मैं अटेंडेंस खोलूँ और वो सब लगा लें और फिर मैं बंद कर लूँ, इस तरह की कोई वेब एप्लीकेशन आज मैं दोपहर को सोच रहा था बैठ के, ठीक है।